दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पांच ऐसे भाइयों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने एक हिंदू लड़की की रक्षा के लिए लाखों की संख्या में मुगलों की सेना से अकेले भिड़ गए। दरअसल जब मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी का सेनापति मल्लुका जैसलमेर के शासक संग्राम सिंह की बहन सत्य कंवर को बंदी बनाकर दिल्ली ले जा रहा था तो मल्लू खान ने दिल्ली के रास्ते पर आने वाला गांव कुंडे डाबड़ा को जीत कर वहां पर निवास किया। तो यह खबर जब उन पांचों भाइयों को मिली तो उन्होंने सत्य कंवर को छुड़ाने के लिए तुरंत मल्लू खां पर आक्रमण कर दिया। इन्होंने मल्लू खां को युद्ध के अंदर मार दिया और सत्य कंवर को छुड़ाकर उसे अपनी बहन बना लिया। युद्ध के कारण इन पांचों भाइयों पर नजर बादशाह की पड़ चुकी थी जिसके कारण इन्होंने मारवाड़ यानी जोधपुर राजस्थान को छोड़कर गुजरात के काठियावाड़ चले गए। इनके पास सेना कम थी जिसके कारण इन्होंने डाका डालना और शिकार करना शुरू कर दिया। वहाँ पर वो पांचों भाई और उनकी सेना अमीरों को लूटते थे और संपत्ति ज्यादा हो जाती तो गरीबों में बांट देते थे, पर बादशाह ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनसे युद्ध करने के लिए अपनी सेना उनके पीछे गुजरात तक भेज दी। उन पांचों वीरों को 52 बैरू 64 योगिनी और माँ चामुंडा का वरदान था जिसके कारण इन्होंने कई बार मुगलों की सेना को हराया। अंत में उनकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी तो उन्होंने सोचा कि बादशाह उन्हें बंदी बनाकर उनका धर्म परिवर्तन करेगा, जिसके कारण उन्होंने धर्म परिवर्तन से बचने के लिए उन्होंने खुद के हाथों से अपना खुद का सिर काट लिया। सिर कट जाने के बाद भी इनकी दड़ मुगलों से लड़ती रही और जिस स्थान पर इनका सिर गिरा वो हरियाणा राज्य के चीर जिले में सफीदों के नाम से जाना जाता है। सफीदों के अंदर इनका एक भव्य मंदिर बनाया गया है जहाँ पर इन्हें पांच बावरी के नाम से पूजा जाता है। इन पांच बावरी के मंदिर में हर साल पूरे देश से करोड़ों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। पर दोस्तों सबसे दुख की बात तो यह है कि हमें मुगल बादशाह जलालुद्दीन खिलजी के बारे में तो पढ़ाया गया पर हमारे हिंदू धर्म के उन पांच बावरी वीरों को इतिहास में दबा दिया गया है। पर दोस्तों हमारे हिंदू धर्म के ऐसे कई वीर जिन्हें इतिहास के अंदर दबा दिया गया है उनका इतिहास बाहर निकालने में हमारा सपोर्ट जरूर करें और ऐसे वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।